अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर में लेसन नंबर 26 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के इस लेसन में हम देखेंगे चेंज विंडो फायरवॉल सेटिंग, इसके अलावा ऑटो प्ले सेटिंग्स और विंडो अपडेट की सेटिंग कैसे आप चेंज कर सकते हैं, हार्डवेयर सेटिंग कैसे चेंज कर सकते हैं और टेम्पररी फाइल फोल्डर कैसे डिलीट कर सकते हैं अपने पीसी को फास्टर करने के लिए। अपना पीसी, आप चाहते हैं कि आपका पीसी अगर स्लो है उसको फास्ट करने के लिए कुछ टेम्पररी फाइल बैकअप में रह जाते हैं, उनको कैसे आप डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले कंट्रोल पैनल को आप ओपन करें, बल्कि आप अगर यहाँ पे देखें, मैं यहाँ से फोल्डर एक ओपन करता हूँ कोई भी, और मैं यहाँ से आपको, मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास ड्राइव है और पीसी के ऊपर जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो उसके प्रॉपर्टी में जाता हूँ तो अक्सर आपने देखा होगा विंडो 7, विंडो 8 और 8.1 में यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है विंडो अपडेट सेटिंग्स का। तो यहाँ पे विंडो 10 में ये ऑप्शन नहीं है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने का क्या तरीका, उस पर डिस्कस करते हैं। और आप अगर ड्राइवर है, फॉर एग्जाम्पल आप विंडो 7 आपने इंस्टॉल की है तो आप ड्राइवर डाउनलोड इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करेंगे ड्राइवर्स वगैरह को इंस्टॉल करने के लिए। और यहाँ पे सिस्टम के कंप्लीट ड्राइवर्स वगैरह आ जाते हैं, आपके जितने भी हार्डवेयर यहाँ इसमें लगे हुए होते हैं वो सारे सारे यहाँ पे शो हो जाते हैं और आप वहाँ से ड्राइवर्स वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास यूएसबी जो है 2.0 जो है, तो इसका यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्राइवर्स का कोई मसला है ड्राइवर का, तो इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और मैं अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर पर क्लिक करूंगा तो मेरे ड्राइवर जो अपडेट हो जाएंगे सच ऑटोमेटिकली अपडेट सॉफ्टवेयर। आप सीडी डालें, सीडी या डीवीडी डालें तो वो वहां से अपडेट करेगा ऑटोमेटिकली, यहाँ से अपडेट नहीं करेगा, यहाँ से अपडेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप ड्राइवर की सीडी डालें, डाउनलोड ड्राइवर सॉफ्टवेयर हो गया, देखें अपने यहाँ से सीडी डालें अपने ड्राइवर की, अनेबल टू इंस्टॉल, देखें अनेबल है, मैं इनके यहाँ से सीडी नहीं है तो इस वजह से ये इंस्टॉल नहीं कर रहा। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल अक्सर जो होता है आपके पास साउंड स्टोरेज कंट्रोल है, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल सीरियल बर्ड्स हैं, इनकी अगर आपने आपके पास ड्राइवर इंस्टॉल है तो आप इनको ड्राइवर यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अदर डिवाइसेज हैं इसके अलावा, कंप्यूटर की अक्सर वाईफाई जो होता है उसके ड्राइवर नहीं है, सॉफ्टवेयर के नहीं है, साउंड के नहीं है, स्टोरेज के नहीं है, सिस्टम डिवाइसेज के नहीं है, तो आप यहाँ से इनको ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ब्लूटूथ है और पर्सनल एरियल नेटवर्क है, इसको आप अपडेट कर सकते हैं, अनइंस्टॉल करना है खत्म करना है ड्राइवर तो यहाँ से आप ड्राइवर आंसर कर सकते हैं। तो विंडो यूनिवर्सल ड्राइवर्स की डीवीडीज या सीडीज होती हैं, आप वो डालें, डालने के बाद उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन विंडो 8.1, विंडो 8 और विंडो 10 जो है ये जब आप इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में तो ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में ड्राइवर लोड कर देती है, जितने भी ड्राइवर होते हैं जो कि हार्डवेयर के लिए होते हैं वो लोड कर लेती है। विंडो को अपडेट करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, अक्सर आपने देखा होगा कि विंडो 7 जहाँ कहीं आप लेके जाते हैं, आप वाईफाई अगर कनेक्ट वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो अपडेट होना स्टार्ट हो जाती है। आप चाहते हैं कि विंडो हर टाइम अपडेट रहती है, अपडेट होती है, अगर अपडेट होती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको टर्न ऑफ करना चाहते हैं अपडेट को तो आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। टर्न ऑफ करने के लिए आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे, विंडो 10 के अंदर, विंडो 7 में वहीं पे आप टर्न ऑफ कर सकते हैं अपडेट। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ विंडो अपडेट, देखें विंडो अपडेट सेटिंग यहाँ पे आ गया, देखें और यहाँ से आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। विंडो अपडेट है, चेक करने आप अगर अपडेट चेक करना चाहते हैं चेक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल नाउ, इसने अपडेट का सारी चेक की हुई है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो अपडेट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। एडवांस ऑप्शन में जाएं, तो यहाँ से भी आपके पास अपडेट्स आ रही हैं, लेकिन आपने जो तो एडवांस ऑप्शन के अंदर आप कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑडिट की सिर्फ अपडेट दे तो आप यहाँ से उसको चेक करें, कहते और भी अपडेट्स दे या आपके सिस्टम्स को अपग्रेड करें तो आप अपग्रेड को कर सकते हैं। मैं इनको अनचेक करता हूं, बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहते हैं। विंडो डिफेंडर मीन इसके पे बाद में देखेंगे, विंडो डिफेंडर जो होता है ये बेसिकली आपके सिस्टम की प्रोटेक्शन, इसमें जो बैड सेक्टर वायरस वगैरह आ जाते हैं तो उनको खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। बैकअप है, रिकवरी, इन चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अब विंडो अपडेट सेटिंग जो है ये खत्म नहीं हो रही, यहाँ से आप चाहते हैं कि आपसे ऑटोमेटिकली अपडेट ना हो, आपसे पूछे या फिर अपडेट करें ही ना, तो
उसकी सेटिंग कहाँ से आपने चेंज करनी है, उसके लिए आपने यहाँ पे जो है तो सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे क्लिक करना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आएगा जी सर्विसेज, क्लिक करें यहाँ पे। सर्विसेज में काफी सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। वो चीजें क्या क्या हैं जी, आप अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल डॉट नेट फ्रेमवर्क अगर चेंज करनी है, बिट लॉकर को आपने चेंजिंग करनी है, सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे नीचे सबसे नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे लिखा होगा जी विंडो अपडेट, लिखा हुआ यहाँ पे देखें विंडो अपडेट लिखा हुआ, डबल क्लिक करें इस पे। अब ये मैनुअल अपडेट हो रही है, क्लिक करें इस पे। ऑटोमेटिकल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक मैनुअल, और डिसेबल करेंगे तो आपकी अपडेट कभी भी नहीं होगी। आप मैनुअल पे क्लिक करें तो मैनुअल में क्या होगा, क्या क्या अपडेट रहेगी। डिसेबल करने के बाद आप ओके करेंगे तो आपकी विंडो अपडेट नहीं करेगी जब तक आप खुद इसको एनेबल नहीं करोगे। तो मैनुअल करता हूँ और ओके कर देता हूँ यहाँ से इसको, तो यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हैं इसके। और भी काफी सारी चीजें जिनको आप चेंज कर सकते हैं, विंडो टाइम है, और यहाँ से आप सर्च कर लें, वर्क फोल्डर है, इनको चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये रजिस्ट्री वगैरह सारी इसकी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और ओके, तो इसके बाद आपके पास जी यहाँ पे पावर, अब विंडो पे हमने काम कर लिया जी, विंडो की आप अपडेट सेटिंग कैसे चेंज कर सकते हैं, और विंडो फायरवॉल के ऊपर डिस्कस करते हैं। विंडो फायरवॉल क्या होता है कि अगर आप इसको ऑटोमेटिक चेक करते हैं, यहाँ पे नॉट कनेक्टेड है क्लिक करें, कनेक्ट नहीं है यहाँ से, ये भी नहीं है कनेक्ट। आप यहाँ से देखें यहाँ पे लिखा हुआ होगा जी चेंज नोटिफिकेशन सेटिंग पे क्लिक करें, कह रहा है टर्न ऑन विंडो फायरवॉल। अब देखें नोटिफाई विन फॉर, अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ ये विंडो फायरवॉल का फंक्शन ये होता है कि आप इंटरनेट से जब कुछ चीज डाउनलोड कर रहे होते हैं तो उसके साथ हो सकता है कि वायरस वगैरह डाउनलोड हो, तो आप इसको अगर चाहते हैं ब्लॉक कर ले, जो भी आप चीज डाउनलोड करें अगर सर कुछ वायरस है तो वो क्या करें ब्लॉक करते हैं, तो वो ब्लॉक कर देगा, मतलब वो चीज को डाउनलोड नहीं करेगा उस चीज को, तो आप यहां से ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं, आपसे पहले वो नोटिफिक मतलब आपसे कहे कि बैड सेक्टर ये वायरस आपके सिस्टम में आ गया, मारवर्ड लिखा हुआ था कि मारवर्ड लिख आ गया, तो उसको आपने क्या करना है, यहां से आपको नोटिफाई करेगा और आपने उसको यहां से रिमूव कर देना है वायरस को। तो ये वाला ऑप्शन चेक करना है क्योंकि ये डिफॉल्ट ऑप्शन है इसका। तो यहाँ से आप ये विंडो फायरवॉल का फंक्शन है कि विंडो फायरवॉल जो होती है आपके पास इंटरनेट से कनेक्ट होती है, प्राइवेट नेटवर्क तो मेरे पास कोई है नहीं, मेरे पास इंटरनेट नेटवर्क की नेटवर्क है, इंटरनेट जो है इसके साथ ही मेरे पास कनेक्ट है, और ये फायरवॉल जो है मेरे पास ऑन है अभी देख सकते हैं। और किंग ये देखिए मेरे पास जो वाईफाई है ये किंग है, देख सकते हैं यहाँ पे ये किंग है कनेक्ट किया हुआ, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। विंडो फायरवॉल तो यहाँ से आपको नोटिफाई करेगा जब भी कोई ब्लॉक एप्लीकेशन जो आती हैं, कोई भी बैड सेक्टर आते हैं, या फिर कोई वायरस वगैरह आता है, मॉलवेयर कोई आते हैं, तो वो यहाँ से आपको बताएगा, आपको नोटिफाई करेगा, तो आपने यहाँ से खुद उसको डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जी पावर ऑप्शन है। अगर आपके पास लैपटॉप है, फॉर एग्जाम्पल आपने लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ से पावर ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। पावर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बैलेंस में चेंज प्लान सेटिंग पे क्लिक करके आप यहाँ पे चाहते हैं कि टर्न ऑफ डिस्प्ले, डिस्प्ले जो अगर आप काम नहीं कर रहे तो वो 5 मिनट में डिस्प्ले इसको ऑफ हो जाए, और अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम आपका स्लीप में चला जाए तो स्लीप के लिए यहाँ सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कोई डाउनलोडिंग वगैरह लगाते हैं तो आप चाहते हैं कि स्लीप सेटिंग थोड़ी आप 5 आवर के बाद स्लीप हो, तो 5 आवर के बाद कर सकते हैं। 5 आवर कर लिया मैंने, इसको सेफ चेंज करेंगे तो आपका सिस्टम स्लीप में 5 आवर के बाद जाएगा। ओके, यही काम आप यहाँ पे बैटरी पे क्लिक करें, और यहाँ पे आप पावर एंड स्लीप सेटिंग भी क्लिक करके यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट और 5 आवर, 5 आवर अभी मैंने चेंज किया तो चेंज हो गया। एडवांस पावर सेटिंग भी क्लिक करें तो ये वही ऑप्शन आ जाएगा जिस पे अभी हमने काम किया। ओके, उसके बाद आपके पास पावर ऑप्शन के बाद है हार्डवेयर, और मतलब यहाँ पे नेटवर्क वगैरह इसको छोड़े, हार्डवेयर एंड साउंड पे क्लिक करें।
हार्डवेयर में क्या है, डिवाइस और प्रिंटर है। अगर आप कोई प्रिंटर वगैरह ऐड करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, करने के बाद आप ऐड डिवाइस या ऐड प्रिंटर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका प्रिंटर जब इसके साथ कनेक्ट होगा तो उसका ऑटोमेटिकली ये उसको देखें यहाँ से सर्च कर रहा है, वो सर्च करके सामने ले आएगा। सामने आने के बाद आपने नेक्स्ट 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 करना है, तो आपके पास प्रिंटर जो है जो इंस्टॉल, वो प्रिंटर आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं प्रिंटर को। प्रिंटर तो मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब मैंने यहाँ से ये ऑटोमेटिकली इसको सर्च कर लेगा प्रिंटर को, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जब सर्च करेगा तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन सामने आएगा और इसमें आपको बताएगा प्रिंटर का टाइटल है, सिलेक्ट प्रिंटर शेयर नेम। आपने प्रिंटर जो है, अब ये नेटवर्किंग के लिए कि आप क्या चीज प्रिंटर से शेयर करना चाहते हो सब सारे के सारे सिस्टम में, तो आप यहाँ से शेयरिंग कर सकते हो। नेटवर्किंग वो अलग से चीज है नेटवर्किंग, तो आप नेटवर्किंग के लिए यहाँ से इस पे ऑप्शन को चूज कर सकते हो। इसके बाद आपके पास प्रिंटर के बाद है, माउस की सेटिंग चेंज करनी है, माउस की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, क्लिक करें यहाँ पे माउस है, माउस की आप सचिंग यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। पॉइंटर जो है मेरे पास ये वाला सिलेक्ट है, आप यहाँ से कोई भी पॉइंटर सिलेक्ट करके यूज डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो पॉइंटर हमेशा रहेगा, स्टाइल चेंज होगा पॉइंटर का। पॉइंटिंग ऑप्शन है, पॉइंटर की स्पीड को आप बढ़ाना चाहें स्पीड बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से आप इन सब चीजों पे देख से और यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हैं आप माउस की और उसकी पॉइंटर की। डिस्प्ले वगैरह पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। क्लॉक है, इस पे आप क्लिक करें तो यहाँ से अपने डेट एंड टाइम अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। डेट एंड टाइम चेंज करने के लिए आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, इस बटन पे क्लिक करें और यहाँ से भी आप डेट वगैरह चेंज करें और डेट एंड टाइम सेटिंग पे क्लिक करें तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। टाइम है और रीजन एंड लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, यूएस है लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, यूएस कंट्री रीजन जो है। और यहाँ से आप ये काम कर सकते हैं, टाइम जोन अगर चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं, चेंज टाइम जोन, चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करें, डेट यहाँ से चेंज करें, यहाँ से टाइम चेंज करके ओके करेंगे तो टाइम और डेट दोनों चेंज हो जाएंगे। टाइम जोन चेंज करना है तो क्लिक करें, तो मेरे पास यहाँ पे ये है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ से चेंज करता हूँ जी। यहाँ पे सर्च करें तो आपके पास यहाँ पे आएगा जी कराची इस्लामाबाद का ऑप्शन आएगा। ओके, यहाँ पे देखें इस्लामाबाद एंड कराची का ऑप्शन है तो इसको सिलेक्ट कर ले तो टाइम जोन भी आपका चेंज हो जाएगा। ओके कर ले यहाँ पे, तो आप यहाँ से टाइम सेंड जोन चेंज कर सकते हैं, रीजन चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले ये जो चीजें इन पे हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे कंप्लीट। इन चीजों के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, सिस्टम्स कंप्यूटर मैनेजमेंट पे भी काम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंप्यूटर मैनेजमेंट, इसमें हम चलो नेक्स्ट लेसन में इन पे काम करेंगे कंप्यूटर मैनेजमेंट के ऊपर। ये कुछ थोड़ी सी चीजें, अगर आप चाहते हैं कि हर एक चीज एक्सटेंड हो जाए अलग अलग से सामने नजर आए, कैटेगरी पे क्लिक करें और इसको आप स्मॉल आइकन पे क्लिक करें, देखें तो देखें हर चीज अलग अलग हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल अलग हो गया, यहाँ पे देखें डिवाइस प्रिंटर फ्लैश इंटरनेट ऑप्शन अलग हो गए, पर्सनलाइजेशन रीजन स्टोरेज ये सारी चीजें अलग अलग हो गई। आप यहाँ से इजीली सर्च कर सकते हैं, कीबोर्ड की सेटिंग देखें नहीं मिल रही तो कीबोर्ड सेटिंग आप यहाँ पे ला सकते हैं, फोन एंड मॉडेम की सेटिंग्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बैकअप रिस्टोर की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, होम ग्रुप है, पावर ऑप्शन है, तो यहाँ से आप तकरीबन कंप्लीट सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं।
तो ये था जी आज का लेसन, इसमें हमने कुछ ना कुछ चीजें की, और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। आप यहाँ से कंट्रोल पैनल के ऊपर कंप्लीट आप खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि असेंशन ट्रेनिंग अगर मैं सारी चीज सिखाने लग जाऊँ तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप यहाँ से और सारी चीजों को खुद भी आप प्रैक्टिस करें, काम करें इस पर, तो आप इंशाल्लाह सीख जाएंगे। आप जितना कंप्यूटर से टच रहेंगे आप उतना ज्यादा सीखेंगे। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।